नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। बिहार विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। विपक्ष और सरकार मनरेगा में ऑनलाइन डाटा पे आमने सामने हैं। विपक्ष सरकार की विधि व्यवस्था के मुद्दे पे घेर रही है। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को 11:45 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और फिर से 12 बजने के बाद से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हो गई। के बजट सत्र का 10वां दिन है और आज भी जो है विपक्षी पार्टियां जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आइए आप बात करते हैं विपक्षी पार्टियों से, किन मुद्दों को लेकर जो है आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आशा को स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी घोषित किया जाए, आशा आंगनबाड़ी रसोईया को कम से कम 10,000 रुपये प्रत्येक माह मानदेय दिया जाए और स्कीम वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा पीएफ पेंशन का लाभ दिया जाए। सरकार स्कीम वर्कर्स को शिक्षा सेवक से लेकर के तमाम ये जो भी स्कीम वर्कर्स हैं उनको बेगारी पर खटाना बंद करे। उनकी दयनीय स्थिति है, जीवन जीना दुश्वार हो गया है, उनके बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिक्कत है और इसीलिए सरकार उनका शोषण बंद करे, बेगारी पर खटाना बंद करे और उनका उचित वेतन मान दे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। इन मुद्दों को क्या सदन के अंदर भी उठा रहा सदन हम लोगों ने डाला है, जबरदस्त हंगामा मचाएंगे हम लोग आज विधानसभा में। तो ये थे माले के विधायक मनोज मंजी, जिनका कहना था कि इस जो विरोध प्रदर्शन है वो सदन के बाहर तो है ही और सदन के अंदर भी जो है वो कार्य स्थगन प्रस्ताव वो लाएंगे। कैमरा राजेश के साथ शक्ति, न्यूज 22 को पटना।